इंजीनियर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहन. 2019 इज कमिंग टू एन एंड एंड दिस एंड इज बीइंग टर्म्ड एज अ ड्रामेटिक एंड बिकॉज ऑन 26th ऑफ दिसंबर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है. ये ग्रहण इंडिया में विजिबल होगा. सुबह 8:15 से लेके 11 बजे तक जो है ये ग्रहण पड़ेगा. इस ग्रहण के लिए एडवाइस है कि आप इसे नेकेड आई से ना देखें. ग्रहण को लेके लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी, बहुत डर होता है. सो प्लीज देखिए, डरिए नहीं, कोई घबराने की या डर की बात नहीं. ज्योतिष जो है वो हमें समय के बारे में बताता है, अच्छा समय या बहुत अच्छा समय नहीं. हमें जो है अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपने विजडम से जो अच्छा, जो बहुत अच्छा समय नहीं है उसको कैसे अपने फेवर में करना है और कैसे उस समय से परेशान नहीं होना है, यही जो है ज्योतिष हमें बताता है. तो आज जो है हम बात करेंगे कि ग्रहण में क्या हो रहा है, क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, किस राशि में ग्रहण पड़ रहा है. तो ये ग्रहण जो है वो धनु राशि सैजिटेरियस साइन में पड़ रहा है. 6 प्लैनेट्स आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्लिप्स एंड ऑल दो 6 प्लैनेट्स विल बी इन सैजिटेरियस साइन. शुक्र वीनस जो कि कारक है रिलेशनशिप का, वो इस ग्रहण का हिस्सा नहीं है. तो अगर यदि अभी तक आप फील कर रहे थे कि आप रिलेशनशिप में स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो वो जो है अब आप फील करेंगे कि थोड़ा कम हो गया है. तो 15 दिसंबर को शुक्र ने जो है राशि बदली है, वो धनु राशि से अब मकर राशि में चले गए हैं. मंगल भी इस ग्रहण का हिस्सा नहीं है. मंगल जो है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में है. सारे ग्रह जितने भी 9 ग्रह हैं वो 3 राशियों में है, वृश्चिक, धनु और मकर राशि. तो ज्योतिष में जो है काफी तरह के योग बनते हैं. आपने सुने होंगे धन योग, राज योग, गज केसरी योग, ऐसे ही नभस योग होते हैं. तो ये जो योग इस दिन बन रहा है ये शूल योग होता है, क्योंकि सारे ग्रह जो है वो 3 राशियों में है. तो इसको, इस योग को शूल योग कहते हैं. शूल शब्द जो है वो त्रिशूल से आया है और त्रिशूल जो है वो शिव जी का हथियार है. तो त्रिशूल की मदद से शिव जी जो है इग्नोरेंस को, ईवल को जो है हमारी लाइफ से हटाते हैं. पर यही त्रिशूल अगर गलत हाथों में चला जाता है सो इट कैन बी रियली वेरी डेंजरस. सो दिस इज व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट हाउ विथ आर ओन विजडम, विथ आर यू नो पॉजिटिव थिंकिंग, हम जो है हमारी लाइफ में जो इग्नोरेंस है, जो अंधकार है, उसको दूर करें. इस दिन शनि जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से शिफ्ट होके उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आ जाएंगे. तो जिन लोगों का उत्तराषाढ़ नक्षत्र जन्म नक्षत्र है वो अपना जो है खास करके ज्यादा ध्यान रखें. अब मैं आपसे बात करूंगी जो राशियां हैं उन सब राशियों पे इस ग्रहण का क्या असर हो रहा है. जब मैं राशि शब्द इस्तेमाल करती हूँ, राशियों की बात करती हूँ, तो मेरा मतलब है चंद्र राशि से, जन्म राशि से. जन्म राशि का मतलब कि जिस राशि में जब आप पैदा हुए थे तो आपका चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी जन्म राशि होती है. आई हियर डोंट मीन सन साइंस. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम चंद्र राशि या जन्म राशि से ही प्रेडिक्शन करते हैं. तो जिन लोगों का चंद्रमा एरीज में है, यानी कि मेष राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये ग्रहण जो है 9th हाउस नवे घर में बन रहा है. सो दिस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है काफी चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. जैसे मैंने कहा था, मंगल जो है वो इस ग्रहण का हिस्सा नहीं है और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है. सो दे विल बी पॉजिटिव चेंजेस फॉर पीपल हु हैव आर बोर्न इन एरीज साइन. टॉरस यानी कि वृष राशि, वृष राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है. शुक्र भी इस राशि का, इस ग्रहण का हिस्सा नहीं है, पर वृष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है 8वें घर में पड़ रहा है. 8वां घर जो है वो सडननेस का घर है. 8वां घर जो है वो लॉस का भी घर है. तो आप देखेंगे आपके आसपास चीजें जो है बहुत सडनली हो रही हैं. इनफैक्ट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सडनली या जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें. मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, जेमिनी वालों के लिए, जेमिनाइंस के लिए जो है ये ग्रहण जो है वो 7वें घर में बन रहा है. 7th हाउस इज द हाउस फॉर रिलेशनशिप, इट इज द हाउस फॉर मैरिज, इट इज द हाउस फॉर पार्टनरशिप. तो आप जो है अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी मैरिड लाइफ को लेके या अपने पार्टनरशिप को लेके बहुत ओवर एनालिसिस करेंगे, उसका ओवर एनालाइज करेंगे चीजों को.
सो आई वुड एडवाइज वो ना करें. कैंसर साइन, कैंसर का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, चंद्रमा तो आता ही आता है. सो पीपल हु आर बोर्न अंडर कैंसर मून साइन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर वेलबींग. आपको अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल वेलबींग और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. आप इस पीरियड में फील करेंगे कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव या बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को प्लीज कीप अंडर कंट्रोल. लियो सिंह राशि, यहां हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो सिंह राशि वालों को अपना ज्यादा ही ध्यान रखना है. आपके क्योंकि ये ग्रहण पांचवें घर में पड़ रहा है, फिफ्थ हाउस इज द हाउस फॉर चिल्ड्रन, फिफ्थ हाउस इज द हाउस फॉर योर हायर थिंकिंग एजुकेशन ऑल्सो. स्पेशली पीपल हु आर एट हायर पोजिशन, वो लोग जो है फील करेंगे कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको बहुत तरह की एडवाइस दे रहे हैं. नाउ इट इज अप टू यू दैट यू टेक द राइट एडवाइस एंड फॉलो इट प्रॉपरली. हर किसी की एडवाइस लेके उस पर जल्दी से एक्ट प्लीज मत करें. कन्या राशि वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है चौथे घर में बन रहा है. फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सुख का घर है. चौथा घर जो है माँ का घर होता है, चौथा घर वाहन का घर होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी का घर होता है. तो अगर आप अभी वाहन लेने का सोच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो रहा है, तो अभी मैं एडवाइस करूंगी कि टिल दिसंबर एंड आप जो है थोड़ा होल्ड करिए. मे बी इन जनवरी जो है आप ये सारे डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल जो है आप लें. मदर की हेल्थ का भी थोड़ा सा आप इस पीरियड में ध्यान जरूर रखिएगा. नेक्स्ट राशि इज लीब्रा, दैट इज वीनस, दैट इज रूल्ड बाय वीनस तुला राशि. तो वीनस, जैसा मैंने कहा कि वीनस जो है इस ग्रहण से बाहर है, पर तुला राशि वालों के लिए जो है ये ग्रहण तीसरे घर में पड़ रहा है. तीसरा घर जो है एफर्ट्स का घर है, तो आप फील करेंगे कि आपको जो है नए नए आइडियाज मिल रहे हैं. यू वॉन्ट टू रियली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, और आपके जो एफर्ट्स हैं उनके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे. स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है सेकंड हाउस दूसरे घर में पड़ रहा है. जो सेकंड हाउस है दैट इज द हाउस फॉर सेल्फ अर्न्ड इनकम. तो आप देखेंगे कि आपकी जो है इनकम जो है वो इस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ेगी, पर उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी जिस रेशियो में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट देन स्टिल, जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट द गुड टाइम्स एंड नॉट सो गुड टाइम्स, और ये हमारे पास, हम सबके पास एक फ्री विल होती है जिसमें हम जो है अपने कर्मों से, अपने एफर्ट्स से, जो इतना पॉजिटिव टाइम नहीं होता है उसको कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो ग्रहण हो रहा है, जो ग्रहण पड़ रहा है वो धनु राशि में ही पड़ रहा है. तो जो धनु राशि वाले लोग हैं, जो सैजिटेरियंस हैं, वो अपना ध्यान जरूर रखें. और धनु राशि का जो स्वामी है वो जुपिटर है, और जुपिटर इस टाइम पे बहुत ज्यादा पीड़ित है. ही इज रियली अफेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो धनु राशि वालों को अपना फिजिकल वेलबींग, अपना मेंटल वेलबींग ध्यान रखना है, प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इस पीरियड में नहीं लेना. मकर राशि यानी कि केप्रिकॉन्स, केप्रिकॉन्स के लिए ये ग्रहण जो है ट्वेल्थ हाउस बारहवें घर में पड़ रहा है. बारहवां घर जो है वो एक्सपेंस का घर है, तो आप देखेंगे एक्सपेंस तो हो रहा है, एक्सपेंस मेरे एफर्ट्स का भी हो रहा है. आप ये फील करेंगे कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूं उसका भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है. एंड अबाउट एक्सपेंस इन जनरल, आप जहां पे भी कोशिश कर सकते हैं एक्सपेंस को कट करने की, खर्चे को कट करने की, वो प्लीज जरूर करें. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि के लिए जो है ग्रहण ग्यारहवें घर में, इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स, इज द हाउस ऑफ गेन्स, वहां पे पड़ रहा है. तो आप देखेंगे कि आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऑफ गेन्स. हो सकता है आप मल्टीपल काम करें, आप मल्टीपल बिजनेसेस करें जहां पे आपको गेन्स मिले. पाइसियंस द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडियाक, एंड पाइसियंस का जो है लॉर्ड है वो जुपिटर ही है, और जैसा मैंने कहा था जुपिटर जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और ग्रहण भी जो है वो धनु राशि जुपिटर की राशि में ही पड़ रहा है. तो जो पाइसियंस हैं, जो मीन राशि वाले लोग हैं, वो इस टाइम पे फील करेंगे कि दे आर बीइंग वेरी सेंसिटिव. ऑल्सो मैं पाइसियंस को एडवाइस करूंगी कि आप इस टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई ना लें, यदि लेना है तो उसको प्लीज 2020 के लिए पोस्टपोन करें. फ्रेंड्स, मैं बार बार 2020 पे स्ट्रेस कर रही हूं क्योंकि 2020 में काफी अच्छे प्लैनेटरी योग बन रहे हैं,
जैसे कि 24 जनवरी के आसपास जो है शनि जो है वो धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. इन माई कमिंग वीडियोज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एंड गुड प्लैनेटरी पोजिशन विच आर हैपनिंग इन 2020. ऑल्सो कि शनि का जो ये चेंज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ये इसका हर राशि पे क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में भी मैं बात करूंगी. सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, डू लाइक एंड शेयर एज वेल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.